टैंक्स को आप लोगों ने, जैसे कि रजत कह रहे थे, एक तो कमोडिटी प्राइसेस का एडवांटेज और ये जो फेस्टिवल सीजन है दिवाली के आसपास और साथ ही साथ सर्दियों के आने के बाद स्पेशली जो हीटर सेगमेंट में अपनी डेडिकेटेड प्रेजेंस रखते हैं, उनमें से किसी स्टॉक पे आपका आउटलुक जो क्लाइंट्स को एडवाइस किया आपने? नहीं, आई थिंक पहली बात तो वीरेंद्र, ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर है, हमें लग रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस स्पेशली कॉपर को अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक घटी है, और इसका फायदा डेफिनेटली हमको लग रहा है कि कम से कम एक दो क्वार्टर्स के लिए और आएगा. जैसे कि हमने देखा कि डिमांड इस क्वार्टर में थोड़ी सी फ्लैट थी, तो टॉप लाइन मोस्ट कंपनीज की आइदर फ्लैटिश आई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो चुकी है. आने वाले फेस्टिवल महीने में हमें लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ को डेफिनेटली एक बड़ा किकर मिलेगा, और इसमें वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होना चाहिए. यहाँ पे हमें बजाज इलेक्ट्रिकल्स, अगर हम वीगार्ड को कंपेयर करें तो बजाज इलेक्ट्रिकल हमको लग रहा है एक ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, और जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट बास्केट है और जिस प्रकार की इन्होंने मैनेजमेंट ने आगे गाइडेंस भी दिया है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अच्छा है. आई थिंक इन्वेस्टकों को अगर 6 to 12 मंथ्स का व्यू लेना है तो मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली FY16 बट FY17 पे भी काफी अच्छे नतीजे आएंगे, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स वुड बी अ बेटर चॉइस कंपेयर टू से वीगार्ड. लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल